है एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज बड़े दिन बाद हम तेजस्वी का एक वी लॉग लेकर आए हैं। हमें बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी करण के भी और तेजस्वी के वी लॉग्स एंड इंटरव्यूज़ की। तो इंटरव्यूज़ तो मैंने अभी आपने देखे ही होंगे प्रीवियस डे में, तो आज हमने कहा एक वी लॉग पे रिएक्ट कर लेते हैं। और टाइटल है जी, दिस इज़ अ आई गेट रेडी फॉर माई सर्वश्रीश नागिन लुक। आई होप मैंने ये सही से प्रोनाउंस किया होगा। #तेजस्वी। तो ओके, तो देखें, आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी तेजन के सारे फैंस हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 3, 2, 1 एंड गो। यस फरहान, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस जिसने नोटिस नहीं किया, ये फरहान okay, है, मेकअप रूम ही है भाई। और ये हिना जो मेरे हेयर कर रही है। और क्यों फरहान एंड हिना, नागिन लुक्स वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया था जब मैंने ब्राइडल किया था, प्रथा किया था, फिर नागिन किया था। तो मैंने सोचा कि हमारे शो में नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे अरे ये पेंडेंट क्या है, बुरी नजर से बचने का होता है। प्रथा का नागिन बनी लुक है, प्रार्थना का यंग लुक है, फिर प्रार्थना का नागिन लुक है, और ब्राइडल भी है। पर ब्राइडल आई थिंक वो सीक्वेंस खत्म हो गया तो मैंने शूट नहीं किया। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक नया ब्लॉग बनाऊं और आपके साथ मेरे नए लुक्स शेयर करूं। आज का पहला लुक है, आज का पहला लुक है प्रार्थना का लुक, प्रार्थना निकल जाता हूँ, यंग प्रार्थना का लुक। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक। ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग एकता मैम के ब्रांड के कपड़े, एंड ये थोड़ा बंजारा लुक है, काइंड ऑफ लाइक ऐसे काजल वाजल है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टू दिस कैरेक्टर, एंड आई एम लविंग इट। तो आप देखिए मैं कैसे प्रार्थना के लुक में आती हूँ। मैंने रियलाइज किया कि मैंने व्लॉग करते समय, शुरू करते समय मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं पूरी तरह से आप सबको बोलना भूल गई कि वेलकम बैक टू यू तेजा। तेजा क्या है? तो अभी बोल, कोई बात नहीं, हमने हमें पता भी नहीं लगा। तेजा तेजा क्या है? भाई तो यूज्ड टू हो गए हमने। यार इतनी देर बैठना कैसे कर लेती हैं लड़कियां? और ये लोग भी यूज्ड टू हो गए होंगे मेरे हर फ्रेम में मेरा नारियल पानी देख देख के। और ये कांच वाला, ये स्टील वाला स्ट्रॉ। और लास्ट मेरा जो व्लॉग था जिसमें मैंने पहले वाले लुक्स दिखाए थे, तभी मेरा ये स्ट्रॉ ऐसे यहाँ पर चला गया था। तो अब इस बार अगर गया तो मेरा पिंपल फूट जाएगा। ओ माय गॉड, आई हैव सच अ बैड पिंपल गाइस, जस्ट लुक एट दैट। This is what happens when you don't sleep, you don't rest. This is so ugly. बाल कर रहा है, इतना मेकअप कर रहा है। प्रार्थना का लुक रेडी है, ऑब्वियसली प्रार्थना, बट इट्स ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट लुक इस व्लॉग का जहां पर मैं बनी हूँ प्रार्थना। फाइनली इसके बाद मैं, क्योंकि शो देखता नहीं हूँ तो मुझे तो ये है मेरा सेकंड लुक, विच इज ओल्ड प्रथा लुक। तो इसमें प्रथा से थोड़ी थिक प्रथा करेक्टर का नाम है क्या जो मैं अभी पहन रही हूँ? या सो दिस इज हाउ या सो दिस इज हाउ अब हम बना रहे हैं झुर्रिया दिखाने के लिए कि मैं सच में बुढ़ी हूँ।
इमेज होती है ऐसे इतना मेकअप करके। चलो हम रेडी हैं, ये सेट पे जाते जाते सूख जाएगा। तो ये मेरा लुक है बुढ़ी प्रथा का। बुढ़ी प्रथा रेडी हो गई। ओके, करेक्टर ही है, मुझे समझ में आ गया, प्रथा इज अ करेक्टर। ओल्ड प्रथा प्रार्थना नहीं लग रही, प्रथा या प्रार्थना नहीं लग रही। तो अब मैं हूँ प्रथा के शादी वाले लुक में, जहाँ पर प्रार्थना की शादी हो रही है। प्रार्थना, और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं थर्ड लुक भी शेयर करूं, विच इज ड्रम रोल द न्यू नागिन लुक। तो अलॉन्ग न्यू नागिन लुक एंड प्रार्थना, दिस इज द थर्ड एंड आई एम श्योर द बेस्ट। कितनी बार नागिन आ चुकी है इसमें, द न्यू नागिन लुक। बिंदी तो निकालो, नागिन की बिंदी भी नहीं है। तो अब हेयर एंड मेकअप हो गया है, चेंज हो गया है, पर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम बचा है। यार एक फिल्म में श्रीदेवी थी नागिन, ये नागिनों का कोई खास है कि वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? मतलब इसे बोलते हैं हमारे आशा के जुगाड़ कर। ये है क्या? ओके स्टिक, ओके ओके ओके, वेलक्रो नहीं लगा तो उतना तो ठीक है। मैं दिखा रही तेरे जुगाड़ पे इतनी आ गया, बोल देते नेल पेंट लगा लेती हूँ। हाथ काले काले लग रहे। सर्वश्रेष्ठ नागिन, ये है मेरा फाइनल लुक ऑफ द न्यू नागिन, द सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन का लुक। और दीज आर माय मोस्ट स्पेशल थ्री लुक्स ऑफ द न्यू ट्विस्ट ऑफ द शो, प्रथा प्रार्थना एंड द न्यू प्रथा प्रार्थना एंड शेष नागिन। प्रीवियस आउटफिट में जो मेरा पहले नागिन का आउटफिट था, उसमें मेरा ज्यादा से नहीं था, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम मुझे मेरे बिग बॉस के घर में दे दिया था, तो उसमें मेरा ज्यादा ओपिनियन नहीं था। पर इस वाले में वी पुट इन लॉट ऑफ थॉट, लॉट ऑफ वर्क ऑन द ब्लाउज, ब्लाउज का शेप कैसा होना चाहिए, स्कर्ट का शेप कैसा होना चाहिए, द मटेरियल सपोज टू बी लिटिल शाइनी, तो वो ना ज्यादा नागिन का लुक दे, स्लीव्स पे कैसा होगा ये वो, तो हमने बहुत सोचा है और चार पांच बार कॉस्ट्यूम चेंज कर करके वी कम डाउन टू दिस। आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक। और अगर आपको हमारे तीनों लुक्स पसंद आए हैं, प्रथा प्रार्थना एंड द नागिन, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल बिकॉज वी ऑल वर्क रियली हार्ड। सो प्लीज इफ यू गाइज लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो क्या बात है सर, इस व्लॉग में हमने तीन तरह के लुक्स देखे, हाल दो कि मैं शो नहीं देखता नागिन, मैंने एक टाइम पे ही देखा था, थोड़ा सा जब घर पे सब देखते थे, मूनी रॉय जब थी नागिन में, उस टाइम बहुत बहुत हुआ था फेमस, शायद पाकिस्तान के भी किसी चैनल ने इसको ना टेलीकास्ट किया था शायद, क्योंकि इंडियन चैनल्स तो यहाँ बैन है, लेकिन हम ठहरे जदीद पाकिस्तानी तो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो आजकल कलर्स पे सिर्फ मैं एक ही शो फॉलो करता हूँ जिसका नाम है बिग बॉस, बाकी शो तो मैं नहीं देखता। उसमें ना ये प्रोमो आता होता है नागिन माँ बेटी, और वो क्या था, देश को जो है ना ज़रूरत थी शीश नाग की, शायद ऐसे कुछ ना प्रोमो चल रहा था बिग बॉस के बीच में, वो ऐड आते हैं ना तब दिखते हैं, तो वो बस इतना ही इंट्रैक्शन है शो के साथ मेरा। आल्दो के हम तेजस्वी के हम वीलॉग्स देखते हैं, तो उसमें ये फिर वीलॉग आया हुआ था कि नागिन लुक है, तो हमने देखा, फिर तीन लुक्स देखे, तीनों अच्छे थे, तीनों में शी इज़ लुकिंग माइंड ब्लोइंग। बट एक क्वेश्चन है मेरा कि यार इतना मेकअप जब यूज़ होता है तो स्किन नहीं डैमेज होती वैसे,
मतलब शायद कोई अलग तरह का मेकअप हो उससे ना होती हो, लेकिन इस वजह से इन्हें अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताइएगा आप कैसा लगा ये वीलॉग। मुझे अच्छा लगा, मुझे लुक्स भी अच्छी लगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरह सपोर्ट करो। कमेंट सेक्शन आती रहे, सजेशंस एंड रिक्वेस्ट हमें आप भेज दें, जिस वीडियो पे भी रिएक्ट कर कहने कमेंट सेक्शन में बता दें, हम ज़रूर फॉलो अप करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।